एप्पल 14 प्रो मैक्स है, प्रो है आपका 30 करोड़ का। ये टूर भी करना जरूरी था, इतनी महंगी गाड़ियाँ एक साथ मेरे कहने पे हटा दिया। भाई कैसे पूछ रहे, यहाँ के पुलिस वाले चेन खींच के भाग गए। ये लड़की ने हाँ बोल दिया। कम कम कम। तो गाइस हम चलते चलते एकदम से रुक गए, जैसे कि आपको साइकिल पे निकले हुए हैं, और बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक्स काफी बड़ा शोरूम दिख गया है, तो आपको घुमाने वाले हैं हो ची मिन्ह सिटी का एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, और देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइसिंग है आईफोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के। देखो काफी बड़ा है, एप्पल का प्राइस देखते हैं, एप्पल कितने का है, और यहाँ वीवो भी है, पर वीवो हमारे काम का नहीं, हमें चाहिए एप्पल, वो गैलेक्सी है। रेडमी, वीवो, रियलमी, ये चाइना के ब्रांड है, तो यहाँ बहुत कॉमनली मिलते हैं। 43 लाख का है ये, मुझे प्राइसिंग मालूम नहीं है। ये मॉडल नंबर रियलमी C53। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इनके यहाँ के 10,000 डोंग हमारे यहाँ के 3500 रुपए बनते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। तो कंपेयर करते हैं, एप्पल अगर समझ में आता है तो ले लेंगे। और देखो ये है 3 करोड़ का, और वो भी 128 GB, एप्पल 14 प्रो मैक्स है, और एप्पल 14 प्रो है आपका 2,80,00,000 रुपए का, 14 प्लस है 2,50,00,000 रुपए का, और आपका 14 है 2,20,00,000 रुपए का। ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपका स्टार्टिंग वेरियंट है 128 GB का। 13 है आपका 1,90,00,000 रुपए का, और ये भी 13 है, सिंपल 13 है। यू डोंट हैव अ 13 प्रो मैक्स? नो, वो मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यू हो गए हैं। प्राइसिंग का देख रहा हूँ कितना फर्क आता है, अभी कैलकुलेट करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या करना। और ये है आईपैड मिनी 64 GB वाईफाई, ये है आपका 1,28,00,000 रुपए का। ये तो छोटा था यार, मैंने तो देखा ये पहले अपने इंडिया में है क्या, ये बहुत ही छोटा यार, मतलब समझो इतना सा छोटा सा। ये पबजी वालों के लिए बढ़िया यार, इसमें है A15 बायोचिप, बढ़िया है यार। और ये फिर टैबलेट दूसरा है, ये है आपका आईपैड 10 वाईफाई 64 GB है, 1,15,00,000 का। आई वॉच SE, ये है आपका 63 लाख। कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, साइज छोटा है इसका, 40 mm है, और 45 mm की है ये S8, 1,05,00,000 की। वैसे तो देखो इतनी बड़ी भी LED स्पीकर सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो क्या ही बात है यार, ये मिल रहा है 6 करोड़ की स्पीकर। वाओ, ये वाला है तुम्हारा 20 करोड़ का, ये बड़े वाला टीवी 20 करोड़ का भाई साहब। ये है यार तुम्हारा 3.5 करोड़ का, और ये मार्शल की तरह या बोस्टन कोई ब्रांड है, काफी बड़े बड़े स्पीकर है यार, मुझे नहीं मालूम कौन सा ब्रांड है। ये भी 2,24,00,000 रुपए का स्पीकर, इतना बड़ा JBL के, इतने बड़े बड़े स्पीकर, वाओ, हमारे इंडिया में नहीं मिलते भाई ये वाले, इतने बड़े बड़े, क्या कहते हो, मिलते हैं। ओ भाई साहब स्पीकर देख रहे हो, ये है तुम्हारा 1,16,90,000 रुपए का, इतना बड़ा स्पीकर है। स्पीकर देख लो यार कितने बड़े बड़े हैं, ये प्रोफेशनल स्पीकर वाले हैं क्या। ओ भाई साहब ये देख लो, ये है तुम्हारा 1.5 करोड़ का, ये है तुम्हारा 1,83,00,000 रुपए का। वाओ, स्पीकर गाने वाने बजाने के लिए 1,20,00,000 रुपए का, 22,00,000 रुपए का। वाओ, और यहाँ भी सोनी के टीवी है यार। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जो मैं देखना चाह रहा था, आईफोन का प्राइस तो मुझे दिख गया, यहाँ मुझे ड्रोन के प्राइस चेक कर रहे थे, ड्रोन कहाँ मिलने वाला वो यहाँ नहीं दिखा। अभी देखते हैं डीजे ड्रोन या गिम्बल, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे ब्लॉगर्स रिलेटेड जो सामान जहाँ मिलता है वो भी आपको चेक कराऊंगा, प्राइस बताऊंगा कि अगर आप बेचना मारे हो तो आपको क्या वो सस्ता पड़ने वाला या नहीं पड़ने वाला। उम्मीद कर रहा था कि भैया डीजे ड्रोन मिलेगा, इन्होंने तो मना कर दिया, हमारे पास ड्रोन नहीं है। अब यहाँ से आपको लेके जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, सिटी सेंटर जो बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग वाइटिंग, मजा आ जाएगा, तो आपको एक्सप्लोर करते हैं। साइकिल हमारे पास है भाई, यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत है, तो जहाँ पे पानी मिल रहा है ना वहाँ से ले लो। तो भैया लगे यहाँ तब निकले थे, मैं कहा साइकिल का टूर करा रहे हैं, तो आपको यहाँ की नाइट स्ट्रीट जो मार्केट है जहाँ पे हमने आपको लास्ट व्लॉग दिखाया है, मैं कहा उसके अंदर से भी निकल लेते हैं थोड़ा सा। इतनी महंगी गाड़ियाँ एक साथ एक जगह, भाई साहब मानना पड़ेगा, देख रहे हो। वाह, ये सबसे महंगी है, इसका भी नया मॉडल आया, वो तो 100 करोड़ का है भाई साहब। भाई साहब गाड़ियाँ देख लो, वाह, उम्मीद नहीं करी थी वियतनाम में इतनी शानदार गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो भैया हम पहुँच गए सिटी सेंटर के मेन चौक पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आती हैं। भाई साइकिल अपनी स्पीड में अपने आप चल रही है। हाँ, हमने अपनी साइकिल लगा ली है, मैं तो थोड़ी देर चिल करने, वैसे तो देखो कितनी खूबसूरत जगह है, काफी प्यारी, और बहुत सारे लोग अपना शाम को आके यहाँ चिल करते हैं, वहाँ पानी के लिए वहाँ बोट राइड चलती है, सामने ये इतना खूबसूरत नजारा है यार, मजा आ जाता है यहाँ पे बैठ के देखने का सब कुछ। मेरा मन था कि यहाँ अंदर बैठ के साइकिल चलाएंगे, पर इन भाई साहब लोगों ने मना कर दिया, अंदर नहीं आने दिया। भैया मुझे ये समझ नहीं आता, यहाँ की लड़की है मास्क तो लगाती है, मास्क में क्या ही फोटो आएगी, पोज ऐसे बना दी, हटा दिया अभी मास्क, मेरे कहने पे हटा दिया। चलो निकलते हैं यहाँ से।
भाई सवारी दोबारा निकल रही है, हमें जाना अंदर की तरफ। और ये जगह बहुत ही प्यारी। आगे हो गिरेगा सारा, ये मुझे गिरा के मानेगा, कभी लेफ्ट पे घुस जाता है, कभी आगे आगे रुक जाता है। तो भैया यहाँ पे हम रुक गए हैं, ये वही जगह जहाँ कल आए थे, काफी सारी एक्टिविटी चलती रहती है। क्या तो पार्किंग मसाज भाई कैसे पूछ रहे हैं, मसाज के लिए मसाज करने को कह रहे हैं, ये मसाज कराए भाई, यहाँ तो पूछ तो सकते हैं ना कितने का है, कराना नहीं है तो। ज्यादा है, 1000 रुपए कर रहे हैं। बस लड़कियों से मिल मिल के खुश हो जा रहा है, बस इतनी सुंदर लड़की तो हमें बिहार में कहीं दिखी नहीं। वाह, लड़की को हाथ लगा लिया, वाह, ओ माय गॉड, क्या बोल दिया, लाइक, ओ माय गॉड, डायलॉग मार गया ये लौंडा, चिकन रेड लाइक लाइक रोज। चलो भाई चंद्र भैया ऐसे मजे ले लेके जिंदा रह रहे हैं, वहाँ प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, अंदर तो अलाउ नहीं है, वहाँ साइकिल लगाते हैं, देख के आते हैं क्या हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह, ठंडी हवा चल रही है, ये सब एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। ये देखो ज़ोंबी का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, वो देखो डांस होने वाला है, पूरे लोग यहाँ के चिल करते हैं, एक मस्त माहौल रहता है वियतनाम में। क्या कहते हो, यहाँ के पुलिस वाले इन्होंने करा दिया बंद इवेंट, और यहाँ के इवेंट इस तरह चलते रहते हैं। वो देखो ज़ोंबी इवेंट चल रहा है, ये भी कुछ प्रोग्राम कर रहा है, ये देखो इसको चंदन, पता नहीं बंदा कहाँ गया हमारा। भाई साहब ये बॉडी बिल्डर है, गुड काफी उसे उठा रखा है। चलो भाई चलो चले, ये तो भाई हमारे इंडिया में नहीं देखने को मिलता। चलो बस निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब सुपर बाइक लेके लगे हुए हैं इस चौक पे बम 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 करने, और बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का यार, मजेदार। आसपास खाने पीने की दुकानें हैं, लोग चिल कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे यहाँ दिवाली दशहरे में नहीं होता, यहाँ ये सिस्टम रोज रहता है। मतलब कोई मतलब नहीं इनको टूरिस्ट से, कि टूरिस्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने आप में ये फुल ऑन एंजॉय करते हैं यार। और सामने पार्लियामेंट हाउस, और ये टूरिस्ट बसेज होती है जो टूर कराती है, बड़ा महंगा टूर है, घंटे का 1.5 लाख यानी 550-600 रुपये मांगते हैं, ज़्यादा है मेरे हिसाब से, आप क्या कहते हो। मज़ा आता है कभी कभी साइकिल चलाने का, ऐसी साइकिल मैंने चलाई थी कश्मीर में, पर कश्मीर के अंदर ठंड थी उसका अलग मज़ा था, यहाँ गर्मी है, चिपचिपा माहौल है, पर साफ सफाई एक नंबर, पोल्यूशन है ही नहीं, मतलब गंदगी तो है ही नहीं, देख रहे हो। घूमते घूमते पहुंच गए उसी जगह जहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉपिंग का सामान मिल जाता है, ये बिनते मार्केट के जस्ट सामने स्ट्रीट है। तो चंद्र को मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट दिलाई है, कल मैं भी आऊँगा, सही प्राइस में मिल रहा है यार, 50,000 में मिल रही है यहाँ टी शर्ट्स शॉर्ट्स, मतलब 50,000 कितना होता है, 200-250 रुपये में यार, हमारे इंडिया में नहीं मिलता। और ये क्वालिटी देख लो यार, ये क्वालिटी आप हमारे वहाँ लेनी चाहोगे 500-700 रुपये से कम नहीं है, भले ही कॉपी है पर क्वालिटी A1 है। वियतनाम वैसे ही बहुत मशहूर है इन चीज़ों में, ये टी शर्ट देखो क्या मस्त है, देखो नाइकी की। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, आपसे रोड पर चलते हुए फोन भी खींच लेंगे, गोल्ड भी खींच लेंगे। ये भाई लोग मिले हमें भाजी पंजाब तो अमृतसर, तो पिछले बाइक पे एक लड़का आया जो चेन खींच के भाग गया भैया, 2.5-3 लाख रुपए की गोल्ड चेन सी, भाई साहब सारा टूर था, मजा ही खराब हो। क्राइम में डिफरेंट चीज हो गई, जैसे चोरी खींचा था नहीं, हैगी हैगी है। तो भैया हमने साइकिल तो खड़ी कर दी है, अब चल रहे हैं वापसी। अरे रुक जा भाई, भाई साहब कम कम कम, भाई ये तो नखरे कर रहा है, आ नहीं रहा। हेलो चुचू पट्टी, ओ चुचू पट्टी सुन ही नहीं रहा, जगह ढूंढ रहे चुचू पट्टी करने की, टकू इधर। फाइनली मुझे फ्रेंच बुलडॉग नजर आ गया है, हाँ ये अपने पास भी यही वाली ब्रीड है, बस कलर का फर्क है। वो कहाँ जा रहा है ये, आगे आगे निकली जा रहा है, गाड़ियाँ हैं देखो, इतना समझदार है, गाड़ियों की तरफ नहीं आ रहा है, वो अंदर अंदर जा रहा है। और यहाँ अगर कोई कुत्ता होता ना इंडिया का, गाड़ियों में जाके घुस जाता। बात हो गई, रेट हो गया, और अब बात चली और पता चला क्या, ये लड़की नहीं लड़का काटेगा। भैया एक दुकान और ढूंढ ली, और भाई साहब की बातें सुनी है, कह रहा है ये सामान अच्छा नहीं है, मैं सामान बताओ इसे शादी करनी है क्या, बाल कटवाने आया, बाल कटवा के घर को जाना है, ऐसे करेगा शादी करनी है, वैसे तो इसको बिहार में भी ऐसी नहीं मिलने वाली, इसमें कह रहा माल अच्छा नहीं है, बताओ यही हेयर कट कटवा ले, अच्छा लग रहा है इसके वाले, ये लड़की है। फाइनली रिश्ता पक्का हो गया भैया, ये लड़की ने हाँ बोल दी है चंदन के लिए, देख लो ये बंदा पहले ऐसे दिखता था, अब इसके बाद कैसा दिखने वाला, ये देख लो इसके बाल। तो फाइनली चंदन की नई लुक निकल के आ रही है, भाई साहब लौंडा बड़े सही तरीके से बाल काटे एज अ प्रोफेशनल, ना एकदम जबरदस्त। फाइनली भैया चंद्र भैया की जो इच्छा थी पूरी होगी, और बाल वाकई में बहुत प्रोफेशनली कटेंगे, और ये देखो ये इसकी लुक, वाओ वाकई में इसको देख के मेरे मन कर गया बाल कटाने का, भाई मैं कटवा के आया था, पर वाकई में ऐसे बाल हमारे इंडिया में नहीं काटते भाई, और इतने पैसे में तो भाई बिल्कुल नहीं कटते, यू आर सो गुड।
बेचारी ने लगभग लगभग एक घंटे तक बाल काटे हैं। वेरी नाइस। इस वीडियो को रखते हैं यही तक, भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इतनी सी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय।